नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर की के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि ये आपको पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ या हमारे ऐप में जुड़ जाओ, वहाँ से ये आप पीडीएफ ले लो। क्लियर है? चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है? ऑक्सीडेशन क्या चीज का प्रोसेस है? हिंदी में ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें। तो देखो बाबू, मैं पहले एक बात और समझना, मेरा चैप्टर वाइज पहले केमिस्ट्री का वीडियो देख लो, उसके बाद ये सब क्वेश्चन करोगे ना आसानी से बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग ट्रिक सीखे थे कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का फायदा, ऑक्सीजन का प्रॉफिट या हाइड्रोजन का लॉस। ऑक्सीजन का प्रॉफिट हो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, हाइड्रोजन का लॉस हो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। क्लियर है? और एक ट्रिक और किए थे, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का घाटा को कहते हैं। तो चलो यहाँ देखो तो क्या क्या ऑप्शन है। पहला है गेन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ही ऑक्सीडेशन बोलते, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा गेन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ तो क्लियर है, ऑक्सीजन का फायदा को ही तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, इसको तो रिडक्शन बोलते, तो सी भी नहीं होगा। अरे ए को मिल गया तो आपका काम ऐसे ही हो गया, तो ऑप्शन हो गया इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर टू यह कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट को कौन डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब जो आराम से इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो उसको कौन डिस्टर्ब नहीं करेगा? कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। तो ठेठ में समझो, अगर तुम तापमान बढ़ा दोगे बाबू तो उसका एकदम नो डाउट उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है गड़बड़ होगा। प्रेशर बढ़ा दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, मतलब ये रिएक्शन को फास्ट करवाता है। इक्विलिब्रियम को कोई ये टेंशन नहीं देता है, कोई उस पर असर नहीं डालता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, इसका काम है रिएक्शन का रेट को फास्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो ये आपको एक तरह से रट्टा मार लेना है, ऐसे इसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन यहाँ सिंपल जीरो ऑर्डर का ही देता है एक तरह से, या सीधे बोलेगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको रट्टा मार लेना है। ऑप्शन नंबर ए, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? ऑप्शन ए को रट्टा मार लेना है इसमें। तो तीन नंबर का ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर चार, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो पूरा पूरी लिक्विड, मतलब उसको अगर आप लिक्विड बना के डालो और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करो तो पूरा आसानी से टूट जाए, 100% टूट जाए। क्लियर? जैसे अगर आप HCl डालो, इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, तो H प्लस और Cl माइनस में पूरा पूरी क्या हो जाए? टूट जाए, तो उसको आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो पूरा पूरी ना टूटे उसको आप कमज़ोर बोल दोगे। तो यहाँ देख लो बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तीनों जो है आसानी से बहुत अच्छा से टूट जाता है, तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, तीनों अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? इलेक्ट्रोलिसिस जब करोगे तो तीनों टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, तो चार का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ, पाँच नंबर, एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो आप रट्टा भी मारे होगे कि एसिड और बेस कभी भी रिएक्शन करेगा तो बनेगा साल्ट और पानी, वाटर, साल्ट और वाटर। चेक कर सकते हो, एक एसिड ले लो मान लो HCl, एक बेस ले लो NaOH, ले लिए, अब इसको रिएक्शन कराओ तो Na इसका Cl छीन लिया, बन गया NaCl प्लस, देखो एगो H और एगो OH, क्या बन गया? H2O बन गया, है ना? तो NaCl क्या है? सॉल्ट है, ये क्या है? पानी है। तो एसिड बेस कभी भी रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और पानी ही बनेगा। आप मेरा एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर देख लेना, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर, तो ऑप्शन हो गया सी। छः नंबर बाबू, विच ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तो देखो बाबू, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड
अब स्ट्रोंग बेस लोगे तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा न्यूट्रल बनेगा, अगर स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस लोगे तो। तो देखो HCl स्ट्रोंग एसिड है, NaOH स्ट्रोंग बेस है, NaOH स्ट्रोंग बेस है, हाँ। तो इसको जब रिएक्शन कराओगे, जो अभी हम रिएक्शन किए थे एसिड और बेस, तो इसको कभी भी रिएक्शन करोगे तो न्यूट्रल ही सॉल्ट बनेगा, तो NaCl बन जाएगा, NaCl। तो ये देखो NaCl जो बनेगा प्लस वाटर भी बनेगा, तो ये जो NaCl बना ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, तो इसका आंसर NaCl होगा, क्लियर है। तो NH4Cl जो है ना वो न्यूट्रल नहीं होगा, एक स्ट्रोंग और एक वीक हो जा रहा है, दोनों स्ट्रोंग होना चाहिए, एसिड भी स्ट्रोंग होना चाहिए और बेस भी स्ट्रोंग होना चाहिए, तब वो न्यूट्रल बनेगा, क्लियर। सॉल्ट देखो बाबू, सॉल्ट जो होता है ना ये एसिड भी नेचर का हो सकता है, बेस भी नेचर का हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो न्यूट्रल कब होगा, जब आप दोनों स्ट्रोंग लोगे तब, क्लियर है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl 6 नंबर का। 7 नंबर का, विच ऑफ द कंपाउंड यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, मतलब पीने के पानी को रोगाणु रहित करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो देखो बाबू आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, कीटाणु उटाणु पानी से मारने के लिए मेनली हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, मेनली हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, क्लियर है। सबसे मेन ज़्यादा यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, हम लोग जानते ही है, पानी में नाली उली में भी छिड़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी नहीं, हेमी कर दोगे तो आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसको हेमीहाइड्रेट को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो कैल्शियम सल्फेट और 2 मोल पानी अगर होगा तो आप इसको जिप्सम बोलोगे, अगर हेमी हो गया आधा हो गया CaSO4, अगर हाफ H2O कर दिए तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो ठेठ में सुनो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हल्का सा भी पानी मिल जाएगा ना बाबू तो ये बन जाएगा जिप्सम, पत्थर हो जाएगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें थोड़ा सा भी पानी मिल जाएगा तो ये बन जाएगा CaSO4 और 2H2O, अब इसी को आप बोलते हो जिप्सम, है ना। तो प्लास्टरा वगैरह होता है तो पाउडर को बोलोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन अगर उसमें पानी मिल गया तो आपका वो पूरा हार्ड हो जाता पत्थर की तरह, अब वो हो गया जिप्सम, क्लियर है। तो आपको जिप्सम का फॉर्मूला पूछेगा तो कर देना 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का करेगा तो बोल देना हाफ H2O। तो फिलहाल जिप्सम का पूछ रहा है तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, क्लियर है, सी हो जाएगा आंसर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। आप मेरा एसिड बेसन सॉल्ट वाला देख लो, सॉल्ट में ये सब आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, ए सब्सटेंस विच रिएक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, ठेठ में सुनो, वैसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार करता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि मेटल का नेचर अधिकतर बेसिक होता है और एसिड का नॉन मेटल का मेनली होता है एसिडिक, ये हम लोग पढ़े थे कि मेटल का नेचर कैसा होता है बेसिक टाइप का और नॉन मेटल का एसिडिक। लेकिन सवाल बोल रहा है कौन ऐसा सब्सटेंस है जिसका नेचर दोनों तरह हो, उसको आप क्या बोलोगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड या एम्फोट्रिक सब्सटेंस, उभयधर्मी, मतलब उसका नेचर एसिड की तरह भी होता है बेस की तरह भी होता है, क्लियर। अल्मोनियम वगैरह वो दोनों टाइप का मतलब करता है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा आपको मालूम होगा अल्मोनियम पाया जाता है, सी अल्मोनियम, क्लियर। अल्मोनियम जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद 11 नंबर में सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज यूज टू प्रिजर्व फूड। देखो बाबू क्वेश्चन जो है मेरा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्लियर, मैं इंग्लिश को पढ़ ले रहा हूँ, जो हिंदी बोर्ड वाला हिंदी पढ़ लो, समझा तो मैं रहा हूँ हिंदी में ही, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी बोर्ड वालों को लगना कि नहीं हमको नहीं पढ़ाएं, इंग्लिश वाले को ही पढ़ाएं, क्लियर, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है।
तो इनमें से कौन सा गैस यूज किया जाता है खाना सामग्री को बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए, मतलब जल्दी वो खराब ना हो उससे बचाने के लिए? तो आपको पता ही है कौन सा यूज करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन यूज करते हैं। चिप्स वगैरह में देखे हो ना गैस भरा हुआ, कौन सा गैस भरा हुआ रहता? नाइट्रोजन। क्योंकि अगर नाइट्रोजन नहीं डालोगे, यदि उसमें कुछ नहीं भरोगे, तो उसमें हवा आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन जो है खाना को खराब कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, क्लियर? तो इसलिए खाना को बचाने के लिए हम लोग मेनली कौन सा गैस डालते हैं? नाइट्रोजन, क्लियर? वैसा गैस जो खाना के साथ रिएक्शन ना करे। ऐसे हम लोग कोई भी नोबल गैस भी डाल सकते हैं, नोबल गैस भी डाल सकते हैं, लेकिन नोबल गैस कोई भी डालोगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। नाइट्रोजन जो है बाबू, ये जल्दी रिएक्शन करता नहीं है, तो ये भी नोबल गैस की तरह कभी कभी बिहेव करता है। मतलब 1100 डिग्री से नीचे, 1100 डिग्री के नीचे जल्दी रिएक्शन ही नहीं करता नाइट्रोजन, तो ये समझो कि नोबल गैस की तरह बिहेव किया। और नाइट्रोजन गैस जो है इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्लियर? तो इसीलिए कौन सा गैस हम लोग डालते हैं? नाइट्रोजन। सस्ता भी है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी पाया जाता है, क्लियर? तो आप हम मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पूरा डिटेल वाला पहले आप चैप्टर देख लो, क्लियर? हम लोग का ऐप से आप जुड़ सकते हो, नयन क्लासेस का लर्निंग ऐप आया है, इसमें आपको लाइव क्लास भी होगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, क्विज कॉन्टेस्ट भी होगा, क्लियर है? तो बहुत सारा फैसिलिटी आपको नयन क्लासेस का लर्निंग ऐप में मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन हो जाएं, प्ले स्टोर पर जाइए, नयन क्लासेस सर्च मारिए, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।